पूरे उसमें है फॉर्म में, क्या जो मक्के के आटा पीस करेंगे, ये घर की चक्की है भाई, घर का आटा घर में ही पिसता है, कहीं बाहर से नहीं पिस के आता, घर के खेत के गेहूँ लिए जाते हैं, घर के खेत के मक्के लिए जाते हैं और घर में ही पीस दिए जाते हैं, ये तुम देख सकते हो। रुक जाओ भाई, तुम बताओ आपको बताओ दिक्कत ना करना, नहीं नहीं दिक्कत की कोई बात नहीं, बढ़िया काम किया एकदम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो क्या हाल है सभी के? तो यार आज हम निकलने की सोच रहे हैं, ये उड़ी की आ रही थी, ये मेरा बैग हो गया पैक और आज हम मम्मा के गांव से निकल के जाएंगे डिगसारी, एक और गांव है यहाँ पे, वहाँ पे वो भी तुम्हें दिखाऊंगा, दो तीन दिन रुकूंगा वहाँ पे, एक फंक्शन है। और ये देखो ये कपड़े वपड़े दादू के, अपने दादू ने पैक कर लिए हैं, अब मैं पीछे देखता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और पानी भरूंगा अपनी बोतल में। यहाँ पे इतने अलग बचड़ को जा रखी है, इनके पास ज़्यादा कपड़े हैं, मेरे पास कम है, मेरे कम बैग में आ जाते हैं, इनके जो कपड़े हैं वो बहुत भारी हैं, इनके कपड़े बहुत ज़्यादा बैगों में आते हैं। मैं एक अपने कॉलेज के बैग में ज़िंदगी काट रहा हूँ, एक मैंने भोपाल से गोवा, गोवा से पुणे, पुणे से भीमाचल कर, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ चला गया अपना एक कॉलेज का बैग लेके, और कोई दिक्कत नहीं। और देखो ठंड वंड कम है यार आज, कोहरा कम है, इस चीज़ से मैं खुश हूँ, गाड़ी चलाने में आसानी होगी, नहीं तो तुमने देखा ही था पिछले वाले ब्लॉग में जब हम दूसरे गाँव गए थे तो क्या हुआ था, मज़ा बिगड़ गया था पूरा। तो ठंड तो कम है ही, पानी की बोतल देखोगे ये रही, भाई चिड़िया दिखा दी मैंने, ये देखो तिलक लगा के घूम रही है ये, बटे डर रही हो, इससे ज़्यादा डरपोक कुत्ता नहीं देखा भाई जीवन में। ये देखो बग्गी, कुछ नहीं रखा भाई, ये रही जूली, इनको बाय बाय बोलने का वक्त है भाई, सबको आज वीडियो में लो, सब ध्यान में रहनी चाहिए। जूली भाई देख रहे हो क्या नाम है इसका, किसी लड़की का नाम जूली हो फिर इसका नाम जूली हो, पहले कौन सुनेगी, ये सुनेगी भाई, ज़्यादा वफादार होगी, कह रहा हूँ आज भी। और इसके घर डर रही है भाई, ये पता नहीं क्यों कुत्ते डर जाएँ मुझसे, मैं मतलब क्या हूँ, इतने प्यार मोहब्बत से रखता हूँ, खाना पीना देता हूँ इनको। ये यहाँ पे चल रही दादू की तैयारी, गाड़ी वाड़ी में पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, जो जो इनके मन में आएगा आज ये वो कर लेंगे। ओ भाई चक्की चलती दिख गई, मक्के का आटा पीस रहे हो, ऊपर से भी आटा डाल रहे हैं, नीचे से भी आटा निकल रहा है, कितनी बढ़िया सुविधा है, और कहीं देखी इतनी अच्छी सुविधा, वह तो गेहूं है भाई, धूल उड़ा दी यार। तो भाई यहाँ पे बाबू अपने पूरे उसमें है फॉर्म में, क्या जो मक्के के आटा पीस करेंगे, ये घर की चक्की है भाई, घर का आटा घर में ही पिसता है, कहीं बाहर से नहीं पिस के आता, घर के खेत के गेहूँ लिए जाते हैं, घर के खेत के मक्के लिए जाते हैं और घर में ही पीस दिए जाते हैं, ये तुम देख सकते हो। और ये आदमी इधर कर क्या रहा है, सोचने वाली बात ये है, ये गेहूँ है, इसमें भी गेहूँ है, ये भी गेहूँ है, चलो कोई नहीं पीसो। अब भाई ये रही इतनी गाय, ये भाई ये वाली भैंस अभी, ये तो अटैक मार जाती है, तो खतरनाक है, ये वाली भैंस अभी नहीं आई है, छोटी सी है ये, अब ये धीरे धीरे प्रैंक होती जा रही है, देख रहे हो मतलब पहले आई नहीं हो, दूसरे दिन ऐसे, अब ऐसे ऐसे कर रही है, भाई मारूंगी मैं तो ऐसी तैसी तुम्हारी, देख लूँगी कौन है। ये देखो ये दो बैठे हुए हैं, इनको भी कुछ काम तो होगा ही, कुछ तो सोच रहे होंगे ये भी हमारी तरह। ये आज भाई चक्की चलती दिख गई, ये बढ़िया हुआ, चक्की मुझे लग रहा था कि अब चलती नहीं है, मैं ये सोचने लग गया था कि अब चक्की नहीं चलती। ये देखो इसे फिर से डराएं, इसे फिर से डराएं, अभी डरेगी ये देखना। और ये लेगी, ओके डर नहीं रही, बैठ गई, वो खा जाएगी ये तो कुछ नहीं। ये देखो इसके यार यहाँ पे क्या हो गया था, इसकी मैंने कल से पट्टी कटवाई, पट्टा कटवाया गले वाला, ये देखो पूरे गले पे कुछ हो गया था। चलो तो यार अब निकलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं तुमसे, डिगसारी में मिलूंगा मैं, बीच का कोई शूट वूट नहीं कर रहा। तो यार ये रख डिगसारी, जहाँ पे हम आ चुके थे, और अब मैं तुम्हें एक और नया सरप्राइज देता हूँ जो फिर से हुआ है,
जैसा एक बार भोपाल में हुआ था वैसा सेम हुआ है। अब मैं ढिकसारी से मथुरा जा रहा हूँ क्योंकि कल मुझे जाना है आगरा, और वो भी सुबह सुबह। तो कल मैं आगरा निकलूँगा तो अब मैं बस में बैठूँगा ढिकसारी से मथुरा जाने के लिए। और भाई मैं खुद कन्फ्यूज हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी चीज़ों को लेके। कोई बात नहीं करें, ये रही अपनी ढिकसारी गाँव। यहाँ का जो फंक्शन है ये मैं तुम्हें दिखाऊँगा जब मैं वापस आऊँगा। हाँ, और मुझे आगरा से वापस यहाँ आना है, पहले मैं मथुरा आऊँगा फिर मथुरा से वापस यहाँ पे आऊँगा। चलो तो फिर जो भी होता है जैसा भी होता है बताता हूँ मैं तुम्हें। और ये देखो, ये रहा पेट्रोल पंप ढिकसारी का, थोड़ा सा तुम ढिकसारी देख लो। अभी सब लोग मिले थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे लगा था कि रिकॉर्ड कर लेंगे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं निकल गया इतनी देर में, तो शाम के 4 बज रहे हैं, मैं निकलूँगा यहाँ से बस पकड़ के मथुरा जाने के लिए। अब मैं बताता हूँ तुम्हें जो भी होता है। तो भाई यहाँ से अब हम निकल लिए मथुरा जाने के लिए। बस वगैरह तो मुझे मिली नहीं, ऐसे ही जा रहा हूँ जुगाड़ करके। लेकिन ये जुगाड़ ज़्यादा बढ़िया है, ठंड से बच गया मैं। टेम्पू तो बढ़िया है, बंद ना देते। हाँ, टेम्पू से बढ़िया है। वैसे तो मैं टेम्पू में जाता नहीं, तो बस का इंतजार करता, लेकिन चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाएंगे लक्ष्मी नगर तक तो पहुँच ही जाएंगे। अरे काय को कर दे, पहुँचेंगे। चलो बढ़िया, तो वही कितनी जगह कवर हुई है एक ही महीने में। भोपाल, पुणे, भीमाशंकर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद दोबारा अपना गोवा हो गया, इस्माइलपुर हो गया, अतलौरी हो गया, अलीगढ़ हो गया, यहाँ पे आया था, यहाँ से मथुरा जा रहा हूँ, दिल्ली आया, अब जा रहे हैं आगरा। कल फिर, कल के बाद शायद से 2023 में मेरा घूमना बंद होगा फाइनली। यहाँ पे सारे पेट्रोल पंप भारत के ही हैं। तो यार मैं पहुंच गया BSA रोड पे, यार भैया ने काफ़ी मदद करी, घर तक बिल्कुल घर के आगे छोड़ दिया है, और कोई नहीं है पूरी गाड़ी में, और सब क्यों बना के उतार दिए। कह रहे तुम उतरो, अभी उतरो, बाद में मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वहीं की वहीं उतार दी लक्ष्मी नगर में, राया में, उससे आगे नहीं आने दिए। और यहाँ बढ़िया पहुँच गए। हेलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद यार। भैया के पास वो फ़ोन और नहीं है एंड्रॉयड वाला, नहीं तो मैं इनको यूट्यूब चैनल बता देता, ये अपनी वीडियो देख लेते। अच्छा चलो, है तो बता देंगे भैया को भी, यहाँ पे तुम्हें देखने मिल जाएगी अपनी क्लिप, खुद देख सकते हो तुम कौन सी वीडियो में हो। चलो भाई, ये आ गया घर अपना, ये रही BSA रोड, ये रही चौकी, जो हर बार गोली चलने के बाद एक और बढ़ जाती है, और फिर एक उस तरफ बन गई है। अब दोबारा गोली चली थी जब, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारी। हाँ मैं तो सीधे उतरूंगा, अभी बता दूंगा आपको, आप तो सीधे निकलोगे हाईवे पे यहाँ से, मेरा बीच में घर पड़ा है, मैं बता दूंगा। बिल्कुल भाई, घर पे उतारा है, मान लो प्रियांशु आता, अभी परेशान होता, थकता, पैसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ थकता परेशान होता बिल्कुल बिल्कुल भैया, एकदम मजा आ गया। कोई नहीं, चलो अभी दिल्ली पंकज से पैसे लेके भैया, पैसे दूंगा, कैश देना पड़ेगा ना, ये चक्कर है। चलो भाई, ये मेरे घर की रोड है, देख लो, कम देखने मिलती है। नहीं, मैं बता दूंगा। और चलो घर चल लो, नहीं तो बगल में ये खाना पानी के लिए मना था मेरा। तुम्हारा हमारा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं? तुम्हें कह दी, रुक जाओ भले ही तुम आज रात। नहीं नहीं, बताओ, आपको बताओ, कोई दिक्कत ना करना। नहीं नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं, बढ़िया काम किया एकदम। सारे सब दाड़ी लो, छीने पे दाड़ी में उतरो, पैसे दे 50 रुपए दे, और तो उतरो भाई, उतरो, कहां है बताओ। सही है, चलो घर पहुंच के देखते हैं क्या करना है। घर खाली पड़ा, अकेला, ताले खोल लेंगे घर के, मुझे तो जाके अभी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया घर अपने, और भाई ये देखो, दादू ने हमसे कुछ सीखा है। दादू इतनी अंदर घर में गाड़ी खड़ी करके जाने लगे, हॉल में, हॉल के बाहर से निकाल के अंदर एकदम घुसा गए। और भाई मेरा ना हेयर सीरम नहीं मिल रहा, मैं वही धो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हेयर सीरम यहाँ भूल गया था, या फिर क्या था, पता ही नहीं, अब देखी जाएगी। तो ये वाला जो ब्लॉग है, इसे तो यार हम करते हैं ख़त्म। और इमरजेंसी ये थी कि कल सुबह मुझे आगरा जाने के लिए निकलना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा, एज़ यूजुअल जो ब्लॉगिंग हो रही है अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो निकलते हैं अभी भाई, पहले यहाँ से, ये देखो साबुन, और खाना पीना खाता है, भूख लगाई बहुत तेज। दादू को बता देता हूँ, पहुँच गया घर, तुम लोगों को मैंने सबसे पहले बता ही दिया। और आप देखेंगे रात में TV, रात में मैं घर पर अकेला, देखते हैं क्या क्या करना है, टाइम पास करना है, सोना है। वैसे तो कल सुबह बाइक से आगरा निकलना है, फिर जूँ फिर आके देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। आज तो ये खाऊंगा भाई, ये बहुत दिन हो गए खुले नहीं है ना, ये खोल के खा लेंगे, देखेंगे गोवा के काजू कैसे होते हैं, वैसे देख लिए।
चलो भाई बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर करना। और इतनी ज्यादा जो अनसर्टेनिटीज होती है ना, मुझे बताना तो मैं कहाँ देखने मिल रही हूँ, और इस मेरे वाले ब्लॉग को छोड़ के या मेरे साथ छोड़ के इतनी ज़्यादा जो अचानक से चीज़ें होती हैं कि यहाँ जगह कहाँ मिल रहा है देखने के लिए, बताना। चलो भाई मिलते हैं, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।